नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं अमूल बूथ पे और अमूल दूध पे एक वीडियो बना रही हूँ। अगर आप सोचोगे कि मैं अमूल बूथ पे क्यों वीडियो बना रही हूँ, तो अब मैं आप इसके मैं तह पे जाती हूँ। मैं तो बात ये है कि दिल्ली में 1471 कचरा घर थे, 1471 कचरा घर थे। उन 1471 कचरा घर को नवीनीकरण किया गया और वो जो नवीनीकरण जो किया गया था वो 807 के लगभग है। हो सकता है ये आगे बढ़ गए हो सकता है ये बढ़ भी गए हो। तो इस नवीनीकरण में क्या क्या बनेगा उस कचरा घर में, ये जिक्र किया गया था। तो जिसमें से सबसे पहले था ये अमूल बूथ, सेकंड नंबर पे था लाइब्रेरी, थर्ड नंबर पे था चार्जिंग पॉइंट, चौथे नंबर पे था बुजुर्गों के लिए बैठने की जगह, वो अपना बैठे उनके इंटरटेनमेंट टाइप की जगह थी, और इस तरह की मतलब और भी चीज़ें थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली में कितने लाइब्रेरी है, जो इस 807 में दिल्ली में कितने चार्जिंग पॉइंट है, दिल्ली में कितने सीनियर सिटीजन के लिए ये जगह मुहैया करवाई गई हुई है। अगर आप लोग इसके बारे में कुछ जानते हो, या आपके अगल बगल में कोई लाइब्रेरी है या कोई चार्जिंग पॉइंट है जो कचरा घर को तोड़ के बनाया गया, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करें ताकि मैं वहाँ पे आके उस लाइब्रेरी का वीडियो बनाऊँ। उस 807 में से एटलीस्ट मैं कुछ तो बना सकती हूँ। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली की एमसीडी ने ये जो अमूल बूथ बनाया हुआ है, लाइब्रेरी कहाँ कहाँ बनाए हुए हैं, चार्जिंग पॉइंट कहाँ कहाँ पे बनाए हुए हैं, ये मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहती हूँ। अगर आपके अगल बगल में इन सारी चीज़ें हैं तो प्लीज़ मैसेज करें और मुझे बताएं, और दिल्ली के लोगों को भी बताएं कहाँ कहाँ लाइब्रेरी है, कहाँ कहाँ चार्जिंग बूथ है। धन्यवाद।